हम साइबर टेक का प्री वर्कआउट ले रहे हैं और एनर्जी ड्रिंक लेंगे, इसके अंदर हम सारा का सारा डाल देंगे एनर्जी ड्रिंक और उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन होगा। बड़ी खतरनाक की है। और आज हम कर रहे हैं लेग्स की वर्कआउट, चेक कर ही सकते क्रेजी है। ऐसे भी हो, तो ऐसे क्यों? अब करते हैं हम लेग्स का वर्कआउट विदाउट पंप, चेक करो। मम्मी ने क्या रखी हुई थी? हाँ भाई, मेरा लग गया ना, दिख रहा भाई? इससे ना चेहरा लाल पड़ जाता है एकदम, बिल्कुल। हाँ वैसे पड़ जाते हैं। हैवी स्क्वाट्स लगाएंगे भाई। भाई सबसे पहले तो हम करेंगे भाई वार्म अप 15 से 20 मिनट। मैं अपने अपने व्लॉग में सबको बोलता हूँ, भाई के व्लॉग में बोलूंगा, भाई मिनिमम 15 से 20 मिनट वार्म अप करो, क्योंकि अपनी बॉडी को हीट करो। थोड़ा सा डायरेक्ट वेट उठाने में बिल्कुल भी मजा नहीं, क्योंकि भाई इंजरी हो सकती है उसकी वजह से, उसकी वजह से भाई। हाँ बिल्कुल, तो अपने लेग्स को थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद अपने फॉर्म में आ जाए थोड़ा सा हीट होने के बाद, कि वो कैपेबल बन पाए हैवी वेट उठाने के लिए, इसलिए हम वार्म अप करते हैं। वैसे सबको पता ही होगा मेरे साथ ये हो। सब्सक्राइब टू हियर एलबीएन चैनल, सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब भाई। चुकंदर का जूस सारा झूठ बोल रहा है, चिकन का गांव में सबसे अच्छा ये है। अरे अरे नहीं, विमल 5 साल जवाब भाई, मुझे आधा कटिंग होनी है। देखिए क्या पागल है क्या, सारी कटी है भाई, सारी कटी सारे मेरा बना मत ले। ये भाई बहुत ज्यादा फनी बात हो चुकी है शायद, हमको भी कर ही लेना बोलो। हां कर लेना, वैसे पता नहीं मुझे नाम पता नहीं होगा। सब्सक्राइब टू सौरभ भारती व्लॉग चैनल, न्यू मूवी कमिंग सून, न्यू मूवी कमिंग सून। सो गाइस कर ले यार, हॉट फिल्म रिगार्डिंग स्कूल लाइफ, वो अच्छा स्कूल लाइफ के लिए। भाई इन्होंने ये चला दिया, देखो यार। चलो मैं हटना यार थोड़ा, भाई बहुत चार्ज करते हैं, ड्रायर की जरूरत नहीं है। अरे फरफर आवाज आएगी फिर इसके अंदर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वेटेड स्क्वाट्स। मैं 20 रैप्स इस फ्री वेट के लूंगा और उसके बाद मैं इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूं। और मैं वेट शुरू में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि इंजर्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए लोअर बैक को मैं अपनी प्रिपेयर कर रहा हूं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब डेडलिफ्ट मारता हूं इसीलिए मैं प्रिपेयर करता हूं, वार्म अप करता हूं उससे पहले। बिना वार्म अप के मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करता। सो आप सब भी पहले वार्म अप करिए, अपनी बॉडी को हीट करिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे ध्यान दें। फर्स्ट सेट है हमारा 10 each side 10 each side 20 की रोड, जो कि वेट टोटल हो चुका है 40 से हम लेंगे 15 रैप्स, शायद से मैंने 16 ले लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 रैप्स लेके पहला सेट, दूसरे सेट में हम वेट इंक्रीज करेंगे 10 kg मोर इस साइड, मतलब 20 each side 20 each side 20 की रोड। सो ये टोटल वेट हो चुका है 60, ये सेकंड सेट है और इसमें हम रैप लेंगे 10, बिकॉज मेरे को वेट को हैवी लेके जाना है और रैप्स कम करने हैं, इसलिए मैं इसमें 10 रैप्स लूँगा, वरना मैं रैप लेता इसमें 15 या 12। और मैं बता देता हूँ कि हमको 90 डिग्री कट करना होता है, हमको पोजीशन को देखते हुए हमको एकदम नीचे बैठना होता है, मतलब कि जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और ज़्यादा अगर आप हैवी वेट लोगे तो आप 90 डिग्री पे बैठ ही जाओगे, उससे नीचे आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मसल को पंप मिल जाता है उससे पहले जो आपने सेट लिए है, इसलिए आप मतलब और नीचे नहीं जा पाते, जैसे कि मैं नहीं जा पा रहा था। नमन बीट तो चला गया यार।
तो चला दे यार। मेडल मेडल भाई कितने सब्सक्राइबर है तुम्हारे? ओ लो भाई, तो तुम पे सबसे पहले आया कॉपीराइट।